एओमैन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने वाले हैं एओमैन ट्रेनिंग के बारे में। फाइनल सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग कौन कौन से इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग स्कूल या एएफओ स्टेशन में होती है। स्पेशलाइजेशन के लिए कैंडिडेट को ट्रेड वाइज कहां पर ट्रेनिंग के लिए जाना होता है, ट्रेनिंग पैटर्न, ड्यूरेशन, इन सब को हम आज की वीडियो में देखेंगे। टेक्नोलॉजिकल एडवांस के कारण सर्विस रिक्वायरमेंट्स और नेचर ऑफ जॉब में काफी चेंजेस आए हैं और इन चेंजेस को ओवरकम करने का बस एक ही तरीका है, ट्रेनिंग प्रोसेस में टाइम के साथ चेंजेस करना। टू डेवलप प्रोफेशनल स्किल्स बाय मेंटेनिंग अ स्टीप लर्निंग कर्व ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रेनिंग। इंडियन एयरफोर्स ने भी इसको ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ सालों में ट्रेनिंग में काफी बदलाव किए हैं। सितंबर 2004 तक इंडियन एयरफोर्स ATT यानी ऑल थ्रू ट्रेनिंग पैटर्न को फॉलो करती थी फॉर द ट्रेनिंग ऑफ एयरमैन ट्रेनीज। इस पैटर्न में बेसिक फेस ट्रेनिंग का ड्यूरेशन था 24 वीक्स, जिसके बाद उन्हें ट्रेड ट्रेनिंग के लिए जाना होता था। ट्रेड ट्रेनिंग का ड्यूरेशन ट्रेड वाइज वेरी करता था, जिसके बाद अक्टूबर 2004 में एक नया ट्रेनिंग पैटर्न इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था EPT, एनकैप्सुलेटेड पैटर्न ऑफ ट्रेनिंग, और इस पैटर्न को JITT यानी जस्ट इन टाइम ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता था। EPT के अंडर ट्रेनीज को अपनी ट्रेड ट्रेनिंग 4 कैप्सूल्स में कम्प्लीट करनी होती थी और ये ट्रेनिंग पैटर्न 2006 तक अफेक्ट में था, जिसके बाद अप्रैल 2006 में विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रीस्ट्रक्चर ट्रेड्स इन IAF मॉड्यूलर पैटर्न ऑफ ट्रेनिंग अफेक्ट में आया। MPT के अंडर ट्रेनिंग को मॉड्यूल्स में कंडक्ट करवाए जाने लगा। अब ट्रेनीज की जॉइंट बेसिक ट्रेनिंग 24 से घटाकर 12 वीक्स की कर दी गई थी, जिसके बाद उनकी ट्रेड ट्रेनिंग भी अलग अलग ट्रेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में मॉड्यूल्स में ही होती थी। ट्रेनीज को तब अपनी फर्स्ट 8 ईयर्स की सर्विस में 3 ट्रेड ट्रेनिंग्स मॉड्यूल्स को कंप्लीट करना होता था, जिसके बाद कर्म नाम का सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया फॉर अलॉटिंग ट्रेड्स टू एयरमैन रिक्रूट्स। 2016 के बाद से एयरमैन ट्रेनिंग में फिजिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड्स को और इम्प्रूव किया गया। और अगर बात करें आज के ट्रेनिंग पैटर्न की, तो इनिशियली कैंडिडेट्स को जॉइंट बेसिक फेस ट्रेनिंग के लिए बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेलागवी, नंबर 2 एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल नालिया, बी फ्लाइट ऑफ मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आवदी, या फिर एयर हेडक्वार्टर द्वारा डिसाइडेड किसी स्टेशन पर यह ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग करिकुलम की बात करें तो GST जनरल सर्विस ट्रेनिंग, GSK दैट इज जनरल सर्विस नॉलेज, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर नॉलेज, ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान एक फील्ड क्राफ्ट ट्रेनिंग कैंप भी कंडक्ट कराया जाता है टू एक्वेंट द ट्रेनीज विद फील्ड सिचुएशंस एंड सर्वाइवल टेक्निक्स। रेगुलर क्लासेस के साथ ही टाइम टू टाइम एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट किए जाते हैं, और जो भी कैंडिडेट अकेडमिकली या फिजिकली रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाता है, उसे 3 बार चांस देकर ट्रेनिंग से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। फिजिकल ट्रेनिंग में ड्रिल्स, परेड, सल्यूटिंग, मार्चिंग, गार्ड ड्यूटीज, आउटडोर गेम्स और फायरिंग स्मॉल आर्म्स शामिल है। ट्रेनिंग के दौरान दोनों ग्रुप के एयरमैन को स्टाइपेंड दिया जाता है ऑफ ₹14,600। जॉइंट बेसिक फेस ट्रेनिंग के परफॉर्मेंस के बेसिस पर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को ट्रेड अलॉट की जाती है, और ट्रेड के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं फॉर देयर ट्रेड ट्रेनिंग, जैसे प्रोपल्शन, स्ट्रक्चर और वेपन फिटर ट्रेड ट्रेनिंग के लिए MTI यानी मैकेनिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ताम्बरम जाते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर और ऑपरेशन असिस्टेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जलाहली जाते हैं। इलेक्ट्रिकल फिटर के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जलाहली जाते हैं। एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ACC असिस्टेंट अपनी ट्रेड ट्रेनिंग के लिए NTTI यानी नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेलगाम जाते हैं। कम्युनिकेशन टेक्नीशियन, म्यूजिशियन और लॉजिस्टिक असिस्टेंट अपनी आगे की ट्रेनिंग के लिए CTI यानी कम्युनिकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जलाहली जाते हैं। ESSA मीटरोलॉजिकल असिस्टेंट, मैकेनिकल सिस्टम फिटर, वर्कशॉप फिटर, मैकेनिकल एंड स्मिथ की ट्रेनिंग WTI यानी वर्कशॉप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
ताम्बरम में होती है। इंडियन एयरफोर्स पुलिस की ट्रेनिंग एयरफोर्स पुलिस एंड सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चेन्नई में होती है। मेडिकल असिस्टेंट की ट्रेड ट्रेनिंग के लिए MTC एयरफोर्स आगरम जाना होता है। ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की ट्रेड ट्रेनिंग एयरफोर्स स्कूल ऑफ फिजिकल फिटनेस बेलगाम में होती है। वही इंडियन एयरफोर्स सिक्योरिटी की ट्रेड ट्रेनिंग गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर चंडीगढ़ में होती है। ट्रेड ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद एयरमैन को किसी भी एक एयरबेस पर पोस्टेड कर दिया जाता है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। लाइक करें इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।